हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। जैसे कि आज हम पहुंचे हैं अपने गांव में और हमारे पूर्व प्रधान शर्मा जी के यहां पे आज सांप निकला हुआ है, तो हमने मुरली वाले हौसला को इन्फॉर्मेशन दे दिया है, तो वो सब अभी पहुंच रहे हैं और आप सबको कंटिन्यू वीडियो बने रहिए और दिखाता हूँ सांप कहाँ पर है। तो और यह विचित्र सांप है जो कि देखने में पहचान नहीं आ रहा कौन सा सांप है, और गाँव वाले सब लोग इकट्ठे हुए हैं। तो जिस फ्रेंड, जैसे कि हम सब घर में पहुंच गए हैं और आप सब देख सकते हैं यहाँ का लोकेशन। जैसा कि फ्रेंड्स आप सब देख सकते हैं बहुत ही अंधेरा हुआ है और अभी हम सब टॉर्च ऑन करके दिखते हैं। आप टॉर्च ये बंद कर ले। जैसा कि फ्रेंड्स आप सब देख सकते हैं वीडियो में, ये सांप बहुत ही विचित्र है जिसको हम सब पहचान नहीं पा रहे हैं, और गांव के कई सारे लोग भी आए जो पहचान नहीं पा रहे कौन सा सांप है। और मुरली वाले हौसला का वेट हम सब कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि 10 मिनट लगेगा। हमारे पेट्रोल पंप जो है ये बरवारीपुर में पहुंचे हुए हैं, तो वो आ रहे हैं, तो उनसे भी मुलाकात कराते हैं। आप सब वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा और इंतजार की घड़ियाँ बस समाप्त होने वाली ही है, जैसे कि हम सब ब्लॉग में आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स आप सब बने रहिए। जैसा कि फ्रेंड्स इंतजार की घड़ियाँ समाप्त होती हुई और हमारे भैया मुरली वाले भैया आ गए हैं, तो उनसे मैंने भी मुलाकात हो गई है हमारी, और आप सब वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और हम सब वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे। हमारी टीम पहुंच गई है और भैया अंदर बैठे हैं और भाई साहब सब सेटअप अपना कर रहे हैं, और जैसे कि बस चंद मिनट बचा है हम आगे प्रोसेस वीडियो को करते रहेंगे, तो आप कंटिन्यू बने रहिए प्लीज़। है भैया सांप हैं? हाँ जी सर। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं भैया मुरली वाले जी आ गए हैं और अभी हम सांप को आपको दिखाते हैं और भैया भी चलते हैं साथ में घर में, तो कंटिन्यू बने रहिए आप सब। कौन देखा था भैया सबसे पहले? बोले सब कुछ बंद है, बेकार है। दोस्तों आप ये देख सकते हैं कच्चे मिट्टी के मकानों में सर कॉर्नर पे है, बोले तो अंदर चला जाए। वो कॉर्नर पे शांत रहिए जी सर। दोस्तों आप ये देख सकते हैं ये कच्चे मिट्टी के मकान हैं और इसी घर के अंदर बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें रखी हुई हैं। होता ये दोस्तों जहाँ पर ऐसी चीज़ें रहती हैं वहाँ पर चूहा आता है, कभी कभी चूहा को खाने के लिए सांप वैसे अक्सर ही आता है। तो चलिए एक बार दोस्तों ये आप देख सकते हैं साफ साफ आपको दिखाई। सर क्या मिला है? तो फ्रेंड्स आप सब मुरली वाले भैया का सुनिएगा क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, प्लीज अच्छे से सुनिएगा। जो जानकारी देंगे वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगी, और घर में अगर सांप वगैरह निकलता है कैसे बचाव रखना है, बचाव करना है, और साफ सफाई पे क्या वो बोलते हैं आप उसे ध्यान से सुनिएगा। और वीडियो में प्लीज़ कंटिन्यू बने रहिएगा और वीडियो को प्लीज़ थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, यही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। दोस्तों आप ये देख लीजिए कभी कभी ये जो सांप होते हैं ये तो भोजन की तलाश में चूहा नहीं मिलता है तो ये आलू भी खा लेते हैं और प्याज को भी खाए हैं, बहुत सारे वीडियो में ऐसा देखा गया। कहाँ देखा? तो फ्रेंड्स जैसा कि देखने में ऐसा लग रहा है कि यह सांप जो है कोबरा ही है, और अभी सर बताते हैं कौन सा सांप है, ये कंफर्म हो जाएगा। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सच्ची में कोबरा ही है, ये काफी खाया पिया है, लेकिन दोस्तों ये जो खाया है इसे देख करके आप समझ सकते हैं ये चूहा ही खाया है। चूहा ही खाया। तो दोस्तों ये लिटिल इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा और खाया है चूहा, इसका पसंदीदा भी चूहा है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे वीडियो वायरल होते हैं कि लोग जब इस सामान को निकालने के लिए आते हैं रात के अंधेरे में या दिन के अंधेरे में वो इस चीज़ों को देख नहीं पाते हैं, और जैसे ही सामान को हटाते हैं ये सांप उसी समय बाइट करता है। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को देख करके दूर तक इसे शेयर कीजिएगा, घर में जब भी आप प्रवेश करिए हाथों में टॉर्च रखिए, साफ सफाई रखिए, इनसे बचिए। जब भी ये सांप काटे तो सीधा आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए। इसका नाम इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा है, यस, और इसको भारतीय नाग के नाम से भी जानते हैं, बहुत सारे इसके नाम है, ह्यूमन फिटारा अलग अलग जगहों पर। चलिए पहले खाया है, चलिए इसको हम बाहर लेके चलते हैं। चलो देखिए सर जाएगा नहीं, आप टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, चलो आप लोग बाहर चलो।
भाग रे। दोस्तों ये कच्चे मिट्टी के मकान में इनका रहन सहन होता है, और यहाँ पर एक बड़ी बात ये होती है कि ये जो है चूहा ही खाता है। बारिश के महीने में दोस्तों ये मेढक से भी काम चला लेता है, और कभी कभी ये छोटे मोटे सांपों से भी अपना भोजन करता है। तो ऐसे में ही दोस्तों खतरा रात में होता है, जब ये सांप आता है कभी भी भोजन की तलाश में या तो खुद बचने के लिए बारिश के महीने में, तभी ये जाकर के काटता है। घर की महिलाएं होता ये है कि घर में बहुत सारा कूड़ा कबाड़ सामान पूरा कचरा करके रखती हैं, और वहां पर चूहा आता है और ये चूहा को खाने के लिए आ जाता है। तो हाथों में टार्च रखिए, घर में थोड़ी साफ सफाई रखिए, रात के अंधेरे में कहीं भी निकलिए तो अपने हाथ में टार्च जरूर रखिए। चलिए इसे हम बाहर लेके चलते हैं, नहीं तो कभी भी दोस्तों हादसा हो सकता है। जी सर मेरी बुलात है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सब देख सकते हैं कोबरा सांप है, और मुरली वाले सर बताए हुए हैं, और अभी हमने इन्फॉर्मेशन लिया है, और है हमारा गांव है आप सब देख सकते हैं, गांव में सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, और या कुछ इस तरीके का सांप है। और फ्रेंड्स आप सब देख सकते हैं गांव में सारे लोग डरे हुए हैं, गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है, और सांप को देखने के लिए बहुत भारी भीड़ उमड़ी हुई है। आस पड़ोस के सारे लोग आ गए हैं आप सब देख सकते हैं, और कुछ इन्फॉर्मेशन भी सर देंगे इस वीडियो में, तो आप सब वीडियो में कंटिन्यू देखिएगा क्या कैसे बताते हैं बचाओ आप रख रखाओ। आप सब वीडियो में देखिएगा, ये हमारे गाँव के सर पहली बार जी हैं, और डॉक्टर साहब पीछे हैं, और बाकी और सब लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोग, और आप सब देख सकते हैं जैसे कि फ्रेंड्स आप सब देख सकते हैं सर ये कॉमन है हमारे भारत में लगभग सभी जगहों पर। कुछ इन्फॉर्मेटिव न्यूज दे रहे हैं आप सबको, सुनिएगा आप सफाई रखिएगा। और वैसे इसका नाम तो इंग्लिश में इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा, भारतीय नाग, बिहार में इसी को जहून कहते हैं, उड़ीसा में इसी को नाग या तो गोखुरा कहते हैं। वैसे इसके काटने के बाद टाइम पे तो दोस्तों अगर ऐसा सांप काटता है दिन के उजाले में या रात के अंधेरे में, तो सीधा आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएं, जहां पर आपको एंटी वेनम मिलेगा, इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक वेनम पाए जाते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे अंधविश्वासों ने हमारे भारत को जकड़ के रखा है। सांप के काटने के बाद लोग जड़ी बूटी झाड़ फूक के चक्कर में जाते हैं, और जहाँ पर उनके प्राण बच नहीं पाते हैं। चलिए हम इसे पैक कर देते हैं, भैया लाए हैं बैग और कुछ नहीं, बैग तो नहीं लाए। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मुरली वाले सर हमारे यहाँ गए हैं, और सांप को जो है रेस्क्यू कर लिए हैं, और आप सबको वीडियो को कंटिन्यू बने रहिए, और सबका वीडियो में दिखाएंगे पूरा वीडियो। जब कोई बाहरी आदमी आकर के किसी काम को करता है बताता है उसको ध्यान पूर्वक सुनिए, नहीं तो फिर ये काट लेगा तो आप बच नहीं पाएंगे। इसको तमाशा मत समझिए, मत वीडियो समझिए, सही बात है। हाँ ये जानकारी है कि इसके काटने के बाद आप बचेंगे कैसे, वैसे भी आप लोग समझे नहीं। अगर हाथ दाई कैसे पिया निकारे होते निश्चित रहा काट लेते, अगर मोबाइल न ले तो निकारे जरूर। आजकल लोग सबके हाथ में मोबाइल रहता है लेकिन जानकारी किसी के पास नहीं रहती। सांप का वीडियो आता है लोगों को बचाने के लिए, हम लोग काम करते हैं लेकिन लोग मोबाइल में सांप का वीडियो नहीं देखते, उल्टा सीधा वीडियो देखते हैं, उनको कोई बचा नहीं पाएगा। इसके काटने के बाद क्या करना चाहिए नहीं मालूम, कहाँ जाना चाहिए नहीं मालूम, अभी तक बताया वही चिल्ला रहे अंदर सब ना रहे उनको जब काटा था यहाँ से नहीं यहाँ भी सांप पकड़ लेना, दूसरे को ही बचा लिया जाता है, और इसको वहाँ लेके जाएंगे जहाँ पर घर परिवार ना हो, दूर हम इसे छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि सांप ने चूहा को कैसे अपने मुंह से भी निकाला है, और यह बिग साइज का चूहा था, और जिसे अभी इसने दोबारा बाहर निकाल दिया है, और सर इसको अब क्या करेंगे, इसे पैक करेंगे। और आप देख सकते हैं ये मेरी तरफ ही आ रहा है, क्योंकि इधर घर के साइड में क्योंकि छुपने के लिए आ रहा है, और अभी ये पैक हो जाएगा। बारिश में भी निकलते हैं, हाथों में टार्च रखिए, इसे निशाचर भी कहते हैं और दिनाचर, रात में ये भोजन के लिए निकलता है और टहलता रहता है। घर की महिलाएं इधर उधर जाती आती हैं अंधेरे में, तो बगैर टार्च के समझ ना भैया, जैसे ही पैर से दबका है।
चलिए थैंक यू दोस्तों इन सब बातों के साथ आज के लिए बेजवानों को बचाते हुए लोगों को जागरूक करते हुए, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद और बाय बाय। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को दूर तक शेयर कीजिएगा, इस प्रकार से आप ही बेजवानों को बचाएं, लोगों को जागरूक करें, और चलते चलते एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। हौसला और ताकत तब मिलती है आप लोगों की तरह जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, एक दूसरे को जागरूक करते हैं। आशा नहीं बल्कि मुझे विश्वास है आप भी करेंगे। थैंक यू भैया। आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। जैसा कि फ्रेंड्स, मुरली वाले हौसला भाई साहब भैया जा रहे हैं, अभी हम सबसे मुलाकात हुई और सांप को रेस्क्यू कर भी लिए हैं, और भैया से एक बार लास्ट बार मुलाकात करते हैं। तो आप सब अगर समय देंगे इतना 10 मिनट हमारी गाड़ी हम देखिए भगवान को बिल्कुल भी मान लिया। आराम दीजिए, फुल काट दीजिए। अच्छा इधर से नहीं जाएगा ना? जाना है इधर। चलिए आप खाजा निकलेंगे सर ना? खाजा निकलेंगे ना? बिजनेस चल रहा है सर। तो फ्रेंड्स, मुरली वाले भैया से मिलके बहुत अच्छा लगा। जैसे कि फ्रेंड्स आप सब पूरे वीडियो में देखे होंगे कि मुरली वाले भैया आए और सांप को रेस्क्यू किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि भैया पैसा नहीं लेते हैं एक भी पैसा, और आप कॉल करेंगे तो भैया आपका लोकेशन वगैरह लेंगे, वीडियो लेंगे, फ़ोटो लेंगे सांप का, कौन सा सांप है, कहाँ पे है, आप लोकेशन बताएंगे तो वहाँ पे पहुँचने की जल्द से जल्द पहुँचने की मतलब कोशिश करते रहते हैं। तो दोस्तों अच्छी बात है कि आप एक जीव को बताइए, क्योंकि गाँव में क्या होता है सब लोग मार देते हैं, तो हमारे यहाँ भी कई लोग ऐसे बोले कि मार दिया जाए, बट हमको जब इन्फॉर्मेशन मिला तो हमने तुरंत उनको रोका और मुरली वाले सर को कॉल किया, तो हमारी बात उनसे हुई तो उन्होंने बोला कि आप रुके रहिए, मैं घंटे में आता हूँ। बड़ी बात यह है कि भैया ने बोला कि 62 किलोमीटर के दूर पे मैं हूँ और मुझे 1 घंटा 10 मिनट लगेंगे आने में, तो भैया 1 घंटे के अंदर ही आ गए और शाम को रेस्क्यू किया। तो वीडियो देखने में बहुत अच्छा लगा मुझे और बनाने में भी, और अगर आप सबको वीडियो में इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपना मोबाइल नंबर और भैया का मोबाइल नंबर दोनों लिंक दे दूंगा और डाल भी दूंगा, जिससे आपको आपके यहाँ कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है सांप वगैरह निकलता है तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और लिंक पे भी आप जाके वीडियो भी देख सकते हैं, मेरा भी वीडियो रहेगा, भैया का भी वीडियो पड़ा रहेगा। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।